नमस्कार, न्यूज एट 12 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष शौबे और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक अपडेट के साथ में। दरअसल आज सुबह 182 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। जो अपडेट आज की मिल रही है उसमें संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 15,809 हो गई है और 12,424 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को हरा दिया, यानी कि ठीक हुए हैं ऐसे लोग। और आज की बात करें, भरतपुर से 23, धौलपुर से 63, जयपुर से 52 नए मामले आज सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से आज जो नए मामले सामने आए काफी ज्यादा हैं और अभी तक 12,424 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना को मात देकर। आज आए हुए जो नए मामले हैं उसमें सबसे ज्यादा धौलपुर से 63 मामले आए, जबकि जयपुर से 52 और भरतपुर से 23 मामले आज सामने आए हैं। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, कोशिशें लगातार की जा रही हैं, अभियान भी शुरू किया गया कोविड-19 के खिलाफ, अभियान और जो नए मामले आ रहे हैं इनको जोड़कर किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कल सुबह की बात की जाए तो 199 जो केस थे नए सुबह 10:30 बजे तक वो दर्ज किए गए, तो आज 182 और शाम होते होते कल एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला। पूरे प्रदेश में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 395 नए केसेस दर्ज हुए थे। दरअसल ज्यादा लोगों तक रीच बढ़ाई जा रही है और जो टेस्टिंग की जो सुविधा है, जो जांच की सुविधा है, संख्या है उसको बढ़ाया गया है और इसीलिए बड़ी संख्या में जो पॉजिटिव केस है वो सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी चिंता है वो लोग जो कि विदेश से भारत आ रहे हैं, वंदे भारत जो मिशन है उसके तहत जो एयरपोर्ट से जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर के अलग अलग होटल्स के अंदर जिनको क्वारंटीन करके रखा जाता है, बड़ी संख्या में वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कल देखा गया जयपुर में जो सुबह 89 केस जो पॉजिटिव आए थे उसमें से 81 केस वो लोग थे जो कि यात्रा करके लौटे थे बाहर से। और अब देखा जाए पिछले तकरीबन 15 दिन तक लगातार ये देखा गया कि 3,000 का जो आंकड़ा है एक्टिव केस का वो क्रॉस नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह आंकड़ों की बात करें तो 3,013 राजस्थान के एक्टिव केस का आंकड़ा हो चुका है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के अंदर 78% जो रिकवरी रेट है वो लगातार बनी हुई, यानी कि जो लोगों का जो ठीक होने का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, यही तो एक सबसे अच्छा संकेत है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है। 57% के आसपास देश में है और 76% के आसपास सूबे के भीतर है। हर एक कोशिश है निश्चित रूप से, लेकिन राजधानी जो एक समय में कंटेनमेंट जोन के तौर पर सबसे ज्यादा हॉट जोन के तौर पर देखने को मिल रही थी, अभी भी राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां से मामले निकल रहे हैं, खासकर रामगंज की चर्चा हमने खूब की। जो आज नए मामले आए हैं राजधानी से 52, वो किन किन इलाकों से हैं आशुतोष, क्या इसके बारे में कोई जानकारी हो पाई? देखिए, बड़ी संख्या में जो लगातार माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, ये उन्हीं लोगों की संख्या है जो कि तकरीबन 20 से 25 जो होटल चिन्हित की गए हैं जहां पे प्रवासियों को रखा गया है जो बाहर से आ रहे हैं और उनको क्वारंटीन करके रखा गया है। बाकायदा सीएमएचओ, जो दोनों सीएमएचओ है, खासतौर पर जो सीएमएचओ प्रथम है नरोत्तम शर्मा, उनकी जो टीम है वो होटल तक जाती है, उनके सैंपल लिए जाते हैं और उसके बाद में उनकी रिपोर्ट है बैक टू बैक पॉजिटिव आ रही है। ये एक राहत की बात है कि ये लोग आम लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, ये समाज के अंदर नहीं पहुंचे, बिल्कुल का वक्त, नहीं हुआ है। वक्त रहते ही क्वारंटीन कर लिया गया, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आशुतोष।